यस क्लास सेवन, आज हम अपनी व्याकरण हिंदी वसंत पुस्तक से पाठ आठ सामे किसान के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। तो आइए पहला प्रश्न हम जानते हैं, शाम एक किसान कविता में पहाड़ के रूप किस रूप में बैठा हुआ दर्शाया गया है। आंसर दी जल्दी से, शाम एक किसान कविता में पहाड़ किस रूप में बैठा हुआ दर्शाया गया है। शाम एक किसान कविता में पहाड़ एक किसान पर बैठा हुआ दर्शाया गया है। शाम एक किसान कविता में पहाड़ को एक किसान के रूप में बैठा हुआ दर्शाया गया है। क्लियर आंसर इस तरह से लिखेंगे। अब आप हैंड रेज करेंगे वन बाय वन, फिर उसके बाद ही आप आंसर देंगे। यस अभिज्ञान आपको क्लियर हो गया आंसर? यस मैम। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन है, मोर की आवाज कैसी लगी, शाम एक किसान कविता के आधार पर बताइए कैसी लगी। वेदिका विनोद बताइए कैसी लगी, मोर की आवाज कैसी लगी, मोर की आवाज। यस मैम, मोर की आवाज किसी को बुलाते हुए लगी। मोर की आवाज कैसी लगी ये आपको बोलना है, बोलो। मैम मोर की आवाज किसी को पुकारते हुए लगी, जैसे किसी ने पीछे से आवाज लगाई हो, सुनते हो, कैसी लगी, जैसे किसी ने पीछे से आवाज लगाई हो कि सुनते हो। ओके कैसी लगी बताइए। यस मैम, मैम मोर की आवाज किसी को बुलाते हुए, मैम मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। बेटा मोर की आवाज जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो, ऐसी लगी। मोर की आवाज कैसी लगी? हाँ बोलो, आप बोलो बेटा। मोर की आवाज ऐसी लगी सुनते हो, जैसे किसी ने आवाज में, जैसे किसी ने किसी पुकारा हो, सुनते हो, ऐसी लगी, जैसे किसी ने आवाज दी सुनते हो, ऐसी लगी, आवाज देकर पुकारा हो। थर्ड क्वेश्चन है, शाम एक किसान कविता में शाम के समय अंधकार कहाँ और कैसा दिख रहा था। यस मैम, सूरज डूबा है। एक मिनट आन्या, दूसरे बच्चों को भी बोलने का टाइम दीजिए थोड़ा सा। हाँ बोलो बेटा। अंधकार पूर्व दिशा में इस प्रकार बैठा है मानो भेड़ों का झुंड हो। बेटा शाम के समय अंधकार दूर पूर्व दिशा में क्षितिज पर बैठा दिखाई दे रहा है, जो भेड़ों के झुंड जैसा दिखता है, भेड़ों के झुंड जैसा, है ना, कविता में आया है ना। शाम एक किसान कविता में शाम के समय अंधकार कहाँ दिख रहा है, पूर्व की दिशा की ओर, और वहां वो कैसा दिख रहा है, जैसे झुंड में भेड़े बैठी हुई है। तो क्या इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, शाम के समय अंधकार दूर पूर्व दिशा में क्षितिज पर बैठा दिखाई दे रहा है, जो भेड़ों के झुंड जैसा दिखता है। यस क्लियर, बोलिए किसको समझ में आ गया। मैम जैसे ये वाली पोयम है शाम में किसान, तो मैम इस कविता के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो बहुत लॉन्ग है, तो मैम हमें ये वाली लिखने है या ये वाली। आन्या पहले इसका आंसर दे लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, लिखने आपको बुक वाले है, ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा मैं करा रही हूँ, एक्स्ट्रा करा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, शाम एक किसान कविता में किस ऋतु की शाम का वर्णन है और क्यों, बताइए किस ऋतु। बोलो निश्चय जैन। यस मैम। निश्चय जैन बोलो। शाम एक किसान कविता में चित्रित, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। शाम एक किसान कविता में किस ऋतु की शाम का वर्णन है और क्यों। मैम शाम एक किसान में, बेटे शाम एक किसान कविता में जाड़े ऋतु, जाड़े की ऋतु का, जाड़ा सर्दी बोला था ना, शाम की आकाश की साफा बांध कर सूरज चिरम गिरता है ना, अचानक से बोला मोर, तो किस कवि समय का है ये, जाड़े की ऋतु का, किस ऋतु का है ये, जाड़े सर्दी की ऋतु का, कि शाम का वर्णन है, जाड़े की ऋतु की शाम का वर्णन है और क्यों, क्योंकि
किसान ठंड से बचने के लिए अपने पैरों पर सफेद चादर ओढ़ रखी है, इसलिए शाम एक किसान कविता में जाड़े की ऋतु की शाम का वर्णन है, क्योंकि किसान ने अपने पैरों पर ठंड से बचने के लिए सफेद चादर ओढ़ रखी है। क्लियर हुआ? बोलो अब, जरा अब बोलो, आप पूरा आंसर बोलिए। लविश बोलो इसका पूरा आंसर। हाँ लविश, लविश बोलिए। शाम एक किसान कविता में जाड़े की ऋतु का वर्णन किया गया है, क्योंकि किसान चादर चादर ओढ़कर बैठा है। क्योंकि किसान अपने पैरों पर सफेद चादर ओढ़कर बैठा है सर्दियों से बचने के लिए, है ना। लविश अभी तक स्लो बोल रहे बेटा। लिख है आपका, शाम एक किसान कविता में चित्रित शाम और सूर्यास्त के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में करिए। आप कौन बोलेगा इसका आंसर? चलिए अपने शब्दों में करना है आपको, कौन बोलेगा? जल्दी बोलो, कौन बताएगा इसका आंसर? रेज योर हैंड, फर्स्ट रेज योर हैंड। शाम एक किसान कविता में चित्र जो दिखाया गया है, उस शाम और सूर्यास्त के दृश्य का वर्णन कौन बोलेगा? रेज योर हैंड, एनीवन? किसी को आंसर नहीं आ रहा? हाँ बोलो, यथार्थ बोलो बेटा, यथार्थ आप बोलो। मैम कैनेडी लैंग्वेज। आन्या अभी मैं इतनी देर से आपका नवन बोल रही थी, आपने नहीं बोला, मैंने यथार्थ को बोला, अब आपने बोल दिया। कैन आई बोल टेल? हाँ बोला, बोलो 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 बेटा। आवाज आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही, यथार्थ आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। चलो बोलो आन्या, बोलो आप बोलो आन्या। ओके मैम, सूर्यास्त के समय क्षितिज पर पूर्वी छोर पर ठहराता अंधेरा ऐसा लगता है जैसे भेड़ों का झुंड सिकुड़ कर बैठा हो, और सूर्य क्षितिज पर अस्त हो जाता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। वेरी गुड। शाम एक किसान कविता में चित्र शाम और सूर्यास्त के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में करना है, तो इसके इसमें आप कुछ लिख सकते हैं, जो शाम का समय है वो कैसा था, है ना? कैनेडियन। हाँ बोलिए बोलिए। ओके मैम, कविता में शाम को एक किसान के रूप में चित्रित किया गया है, जो पहाड़ के रूप में घुटने मोड़ के बैठा है। उसके सिर पर आकाश का साफा बंधा है और घुटनों पर नदी की चादर पड़ी है। वह डूबते सूरज की सुलगती चिलम पी रहा है। पास में ही पलाश के लाल लाल फूल की अंगूठी, दूर में अंधकारों के झुंड की तरह धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है। उसी समय अचानक मोर बोलता है, जैसे पुकार रहा हो, सुनते हो। उसकी आवाज में ऐसा लगता है कि शाम रूपी किसान हड़बड़ाकर उठ गया, जिससे चिल्लम उलट गई और चारों ओर धुआं उठने लगा, अर्थात सूरज डूब गया, अंधकार छा गया, शाम बीत गई और रात हो गई। हाँ देखा, ये है आंसर। ठीक है, कवि ने किसान के रूप में शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है, आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान है, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी हुई सफेद चादर सी दिखाई दे रही है, और पास ही पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती हुई लाल अंगीठी के समान दिखाई दे रही है। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा दिखाई दे रहा है, और किसान डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा। अचानक मोर ऐसे में बोल उठता है जैसे कि किसी ने आवाज लगाई हो, सुनते हो, और इस आवाज को सुनते ही सब कुछ अचानक ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि चिलम उलट जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज छुप जाता है और अंधकार छा जाता है। ये होगा इसका, अपने शब्दों में आपको ये सारा कविता का जो मीनिंग है आपको लिखना होगा। ओके, अगला है, आकाश की कल्पना साफे के रूप में क्यों की गई है।
बताइए क्यों की गई है? मैम क्योंकि आकाश सफेद रंग का होता है और उसने सफेद रंग की पगड़ी पहनी हुई है। पहाड़ों की ऊंची चोटियां आसमान को छू रही होती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि पहाड़ ने अपने सिर पर साफा लपेट रखा है, इसलिए आकाश की कल्पना साफे से की गई। बेटा जो पहाड़ है वो बहुत ऊंचा ऊंचा ऊंचाई पर होता है ना, ऊंचा ऊंचा, उसके ऊपर सफेद रंग का घना आसमान दिखाई दे रहा है, इसलिए आसमान को पहाड़ का साफा के रूप में कल्पना की गई। शाम एक किसान कविता में अंधकार को किसके समान कहा गया है और क्यों? शाम एक किसान कविता में अंधकार को किसके समान कहा गया है? किसके समान, बोलो जल्दी से। अभी ऊपर भी एक आंसर में था, सूर्यास्त के समान। अरे भेड़ों के झुंड जैसा नहीं कहा गया है अंधकार को? झुंड भेड़ों के गले सा। बोलो बोलो आंसर, बोलो बेटा जल्दी बोलो। मैम ये भेड़ों का झुंड सिकुड़कर बैठा है वो ठीक आ गया मैम। शाम में बोलो लविश, बोलो पूरा बोलो आंसर, पूरा बोलो। शाम में किसान कविता में अंधकार, शाम में किसान कविता में अंधकार को भेड़ों की भेड़ों का झुंड की तरह दिखाया गया है क्योंकि जो सूरज ज्यों ज्यों छिपने लगता है त्यों त्यों पूरब के में क्षितिज में अंधकार गहराने लगता है, भेड़ों के झुंड का रंग और अंधकार एक जैसा दिखाई देता है, इसलिए उसको ऐसा बोला गया है। यस दिव्यांशी आप बोलो, दिव्यांशी आप बोलिए बेटा। हाँ मैं किसान कविता में अंधकार को भेड़ों के झुंड के समान कहा गया है। बिल्कुल सही। क्यों कहा गया है? क्योंकि जब अंधेरा होने लगता है तो गहरापन दिखाई देने लगता है और जो भेड़ों का झुंड है वो भी उसी तरह से दिखाई दे रहा है, इसलिए कहा गया है। ओके तो अब यहाँ पर आपकी इस कविता से संबंधित, जैसे आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में चिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। इस कविता में ऐसे आपको आपके कुछ प्रश्न और बने हैं, जैसे कवि और कविता का नाम आपको मालूम होना चाहिए। कवि का नाम है शाम एक किसान और कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये आंसर आपका सबसे इजी है। पहाड़ रूपी किसान किस प्रकार बैठा है? पहाड़ रूपी किसान किस रूपी किस रूप से बैठा है? हम एयरटेल माही माही बोलो बेटा। मैम घुटने टेक कर, हाँ घुटने मोड़कर बैठा हुआ ना, घुटनों के बल बैठा हुआ, घुटनों के बल बैठा हुआ है। यस घुटनों के बल बैठा हुआ है। इसका आंसर ऐसा हो सकता है ना, सूरज की चिल्लम खींचता बैठा है पहाड़ घुटनों पर। किसान को पूछा जा रहा है किसान किस प्रकार बैठा है, तो आप इसका आंसर बोलेंगे कि पहाड़ रूपी किसान जाड़े की शाम के समय घुटने मोड़े बैठा है और उसके पैरों पर नदी की चादर पड़ी है, वह सूरज की चिलम की कस ले रहा है। पूरा आंसर इस तरह से लिखेंगे, तो घुटने मोड़े बैठा हुआ है, इस तरह भी लिख सकते हैं। जंगल की अंगीठी किसके किसे कहा गया और क्यों? पलाश के फूलों को कहा गया। बोलो बोलो आन्या। मैम अंगीठी का इसमें मतलब मैम मीनिंग बताना है कि क्यों कहा गया है। जंगल की अंगीठी किसे कहा गया है? बोलो जंगल की अंगीठी किसे कहा गया है? मैम जंगल की अंगीठी इसलिए कहा गया है जिसमें आग जलाया जाता है। आने आने सुनो, इसका आंसर क्या है? जंगल की अंगीठी किसे कहा गया? जंगल की अंगीठी पलाश के लाल लाल फूलों को कहा गया है, क्योंकि वो अंगीठी के समान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्यों कहा गया? क्योंकि वह देखने में लाल लाल है, जैसे अंगीठी लाल होती वैसे ही वो फूल भी लाल लाल है ना, तो अंगारे की तरह दहकते हुए प्रतीत हो रहे, इसलिए। अब क्या बोलोगे, जंगल की अंगड़ी किसके किसे कहा गया है? पलाश के लाल लाल समान गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि दहकते हुए अंगीठी के समान लाल दिखाई दे रहे हैं। पूरब में अंधकार किस प्रकार दिख रहा है? पूरब में अंधकार इस पर दिख रहा है जैसे कुछ जंगली भेड़ों का झुंड। हाँ पूरब में अंधकार भेड़ों के झुंड सा दिख रहा है, बिल्कुल
कविता में किस समय का वर्णन है? जाड़े की शाम का। गीता में सूरज को चिल्लम के रूप में चित्रित किया गया है जिसमें जाड़े आग की शाम का है। देखा, और आप यहाँ देखेंगे इसका आपको आंसर भी इसमें दिखा हुआ है। कविता में पहाड़ के रूप में घुटने मोड़कर बैठे हुए किसान को दर्शाया गया है, जैसे कहीं किसी ने कहा हो सुनते हो, शाम के समय अंधकार दूर पूर्व दिशा में क्षितिज पर बैठा दिखाई दे रहा है, जो भेड़ों के झुंड जैसा दिख रहा है। इस कविता में जाड़े की ऋतु की शाम का वर्णन है, क्योंकि सर्दी से बचने के लिए किसान ने अपने पैरों पर चादर डाल रखी है। फिर नेक्स्ट आपका था पांचवा, कवि ने किसान के रूप में शाम की प्रकृति दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है, आकाश उसके सिर पर बंधे सांफे के समान है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर ऑलरेडी सारे दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो काव्यांश से संबंधित प्रश्न का आंसर है, ये भी यहाँ पर है। कवि और कविता का नाम, पहाड़ रूपी किसान जाड़े की शाम के समय घुटने मोड़े बैठा, उसके पैरों पर नदी की चादर पड़ी हुई है, वह सूरज की चिलम से कस खींच रहा है। जंगल की अंगीठी पलाश के लाल सुर्ख फूलों को कहा गया है, ये लाल रंग के फूल दहकते अंगारे की भांति प्रतीत हो रहे हैं। पूरब में अंधकार भेड़ों के झुंड सा दिख रहा है, कविता में शाम के समय का वर्णन किया गया है। तो ये आपका था एक्स्ट्रा प्रश्न जो मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं इसके इस पाठ के जो प्रश्न है वो मैं कराती हूँ। यस, यस बेटा, यस। अब आइए इस पाठ में आए प्रश्न उत्तर पर हम चलते हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है, यह एक रूपक है, इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, उन्हें हम उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा बोला गया है, वाक्यांश में आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, बानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी और चौथी और पांचवी एक रूपताओं को खोजकर लिखिए। बताइए इस कविता में कौन कौन सा है वो एक रूपता, फटाफट बताइए। मैम कैनेडल बोलिए। मैम एक रूपता है सूरज की चिल्लम, दूसरा रूपता है पलाश के जंगल की अंगीठी, और तीसरा पेड़ों के गले सा। बिल्कुल सही, यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए, शाम कब से शुरू हुई, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए, बोलिए। आंसर बोलिए, रेज योर हैंड। दिव्यांशी बिश्नोई बोलिए। यस मैम, बोलिए। शाम 6 बजे शुरू हुई थी, दूसरा तब से लेकर सूर्य डूबने में करीब 1 घंटे का समय लगा, उस दौरान सूर्य धीरे धीरे गायब हुआ, तीसरा इस बीच आसमान का रंग लाल और कुछ देर बाद पीले रंग में परिवर्तन हो गया था, और फिर कुछ देर बाद धीरे धीरे सूरज आसमान से डूब गया था, और उसके बाद चारों ओर अंधेरा छा गया, आसमान में तारे स्थापित हो गए थे, आसमान से तारे गायब हो गए, उसके बाद चारों ओर अंधेरा छा गया, तारों और आसमान में तारों का साम्राज्य स्थापित हो गया। मैम इसका आंसर मैं दूं? हाँ आप बोलो बेटा, आप बोलो। ओके मैम, पहला, सूर्य जब पश्चिम में क्षितिज पर पहुंचता है तो शाम का आभास होने लगता है, दूसरा सूरज डूबने में 8 से 10 मिनट लगते हैं, तीसरा सूर्य की रोशनी धुंधली पड़ जाती है, किरणों का तेज समाप्त हो जाता है, पश्चिम दिशा में लालिमा भर जाती है, चारों तरफ का वातावरण शांत हो जाता है।
देखा आपने, अपने शब्दों में आप इसका प्रश्न का जब अर्थ समझ लोगे तो अपने आप आपको आंसर समझ में आएगा, कविता के अंदर से ही ये सारे आंसर मिल गए हैं। यस, क्लियर हो गया आप लोगों को, सबको क्लियर हुआ इसका आंसर? मेरा आंसर सही था। यस यस आन्या बिल्कुल सही। भूमि आप बोलो, भूमि बोलो बेटा, भूमि बोलिए, बोलिए बेटा भूमि। मैम मेरा स्क्रीन शेयर हट गया एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो शब्दों में बांधिए। जैसे मोर की आवाज कवि को सुनते हो लगी तो और बहुत सारे इसके अंदर जो कवि पक्षी हैं उनकी आवाज को आप अपने शब्दों में बांधिए। चलिए आगे करिए इसका आंसर को। यस देखिए पहला है कबूतर, मेरे पास उसका अर्थ भी है। कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। तो कबूतर क्या है, कबूतर की आवाज कैसी हो सकती है बोलो, रेज योर हैंड। माही बोलो, बोलो माही, माही माही बोलो, माही बोलो। यस मैम। मैम प्रश्न नंबर 3। यस, मोर के बोले पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो शब्द में बांधी है। कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। माही आपको प्रश्न बोलने का, कबूतर कैसे बोलता है? हाँ आप बोलो आन्या, कबूतर कैसे बोलता है? आप कबूतर गुटरगू। हाँ गुटरगू बोलता है बिल्कुल। इतने कबूतर आप लोगों के घर के आसपास इतने घूमते रहते हैं, सबने कबूतर की आवाज सुनी होगी है ना, सबने सुनी है, नहीं सुनी और किसी को नहीं पता कि कबूतर की आवाज कैसी होती, कैसी होती है? गुटरगू, गुटरगू। हाँ तो लो भाई उसके गुटरगू में हम अगर इमेजिन करेंगे तो हमें क्या सुनाई देगा? लो भाई अपना खत ले लो, बहुत दूर से लाया हूँ। कबूतर को हम संदेश वाहक भी बोलते हैं ना, कबूतर को ही हम संदेश वाहक बोलते हैं या नहीं? Yes, ma'am. तो yes, कबूतर हाँ पहले के समय में दूसरों की चिट्ठियां पहुंचाया करता था तो वो अपने भाषा में इस तरह से बोलेगा, गुटरगू का मतलब ये होगा उसके, ठीक है। फिर कौवा क्या बोलता है, कौवा की आवाज कैसे होती है? काव। हाँ वेरी गुड। तो उसमें जो ये है, सुनते हो घर में मेहमान आने वाले, जब पहले के जमाने में कौवा जो है बोलता था किसी के घर के मुंडेर पर तो लोग अनुमान लगा लेते थे कि शायद आज हमारे घर कोई मेहमान आने वाला है उसकी आवाज सुनकर, तो उसकी आवाज से हम यही अनुमान लगाते हैं कि घर में मेहमान आने वाले हैं। काव काव मतलब कि कोई मेहमान आने वाले हैं। फिर मैना जो बोलती है, मैना कैसे बोलती है? आवाज की कुहू कुहू की होती ना, कोयल की आवाज जैसे थी कुहू है ना, तो कैसे हो कैसे हो कैसे हो की आवाज आती है। तोता तो आपकी आवाज सुनकर आपकी नकल भी कर सकता है और वैसे राम राम भाई भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है तोता तो, है ना। और चील कहती है अरे वो देखो नीचे चमकता हुआ कुछ पड़ा है। हाँ और हंस बोलता है और हंस बोलता है मेरी तरह हमेशा शांत रहो, जैसे हंस शांत रहता वैसे वो भी शांत रहो। नेक्स्ट इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग किया गया? अभी ये रंग आप खुद से बनाएंगे, सारे रंग इंद्रधनुषी रंगों का प्रयोग किया गया है, तो इसको आप बनाएंगे, इंद्रधनुष बनाएंगे सुंदर सा और उसमें सारे कलर भरेंगे, है ना, इस आंसर में, है ना। इस आंसर को कैसे करेंगे? एक इंद्रधनुष बनाएंगे, इंद्रधनुष के अंदर जैसे अब आपने ये इंद्रधनुष बनाया, ये इंद्रधनुष ऐसे, और आप इन सब में अलग अलग कलर भरेंगे, ठीक है, इसमें आप एक एक कलर भरेंगे, ये आपका आंसर है। फिर है लास्ट में, शाम के समय क्या करते हैं पता लगाइए और लिखिए। अब इनके बारे में आपको पता लगा के खुद से लिखना है। पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी और किसान, ये सब शाम के समय क्या करते हैं? तो पक्षी अपने अपने घोंसले में लग जाते हैं, खिलाड़ी अपना अभ्यास करने के लिए खेल का सामान लेकर
सामान जो है वो खेलते हुए जो जहाँ पर भी खेलते हैं वहां पर सामान करते वो आराम करते हैं, और फल वाले अपना सामान जल्दी फल बेच कर घर लौटते हैं। हाँ लौटते हैं, और माँ भी अपना काम निपटा कर घर वालों शाम के समय भोजन व्यस्तता में जुट जाती हैं। हाँ, और पेड़ पौधे वो सब भी विश्राम शाम के समय पेड़ पौधे शांत हो जाते हैं। हाँ, और पिताजी ऑफिस से घर आते हैं, अपने दफ्तर से काम खत्म कर कर लौट आते हैं, और किसान दिन भर परिश्रम करके बैलों के साथ अपने घर की ओर लौटता है, और किसान घर लौट आते हैं और हम बच्चे खेलने जाते हैं। हाँ, बच्चे शाम के समय खूब उछल कूद करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट करो बेटा, ये आपने देखो हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन किस प्रकार किया है, तो ये आप इसको देख करके यहाँ से इस आंसर को लिखेंगे। ओके मैम, मैं अपना आंसर बताऊं? हाँ बताइए। ओके मैम, हिंदी में प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत ने अपनी कविता में संध्या के समय होने वाली पशुओं की विभिन्न क्रियाओं को दिखाया है। सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में कवि ने जोड़े की शाम के दृश्य को किसान के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने विविध प्राकृतिक दृश्यों को भी उभारा है। तो ये अब आप लोग आज इस सारे वर्ग को अपनी कॉपी में उतार लेंगे, ठीक है? तो आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया नाउ। ओके ओके मैम, ओके बेटा, हैव ए गुड डे।